हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। डिफरेंशिएशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, जहाँ कह रहा है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव है वो हमसे फाइंड करवा रहा है यहाँ पे। और गिवन क्या है, एक्स गिवन है और वाई गिवन है, लेकिन है किस में, टी की टर्म्स में है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तक काम किया हुआ है, बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वे तो यहाँ से देखिए आप, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी वेरिएबल में अपना फंक्शन, तो ए इंटू कोस टी का डेरिवेटिव माइनस टी हो गया, माइनस ए साइन टी बन गया। ऐसे ही वाई का डेरिवेटिव जब आप टी के रिस्पेक्ट करोगे तो ये आपका बी कोस टी बन गया। तो इसकी एल से सेम वही प्रोसेस डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो फिर से आपको बता दो यहाँ पे कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। क्या बना, डी वाई बाई डी टी हमारा है बी कोस टी डिवाइड बाई माइनस ए साइन टी। तो माइनस बी अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, कोस टी अपॉन में साइन टी है, वो आपका क्या बन गया, कोट टी बन गया। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए कोट टी बन गया भाई। अब करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव तो ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ना कि टी। टी के रिस्पेक्ट करोगे तो इधर सेकंड डेरिवेटिव नहीं बन रहा भाई। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा ये, लेफ्ट में तो सेकंड डेरिवेटिव बन गया हमारे पास एक्स के ही रेस्पेक्ट, राइट में माइनस बी अपॉन ए तो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। अब कोट का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है भाई, कोट का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर टी। देखो कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएसन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है ध्यान रखने का, आप टी वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहे हो, टी का एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा साथ में। ये ध्यान रख लिया, कोई गलती होने के चांस नहीं है। माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए इंटू कोसिकेंट स्क्वायर टी इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स, कहाँ से आएगा भाई, डी एक्स अपॉन में डी टी किसके इक्वल है, ये रहा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस ए साइन टी। तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं ले लूँ तो डी टी अपॉन में डी एक्स क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन में ए साइन टी बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, माइनस वन अपॉन में ए साइन टी। तो माइनस सात आ गया, बी आ गया अपॉन में ए स्क्वेयर आ गया, कोसिकेंट स्क्वेयर टी अपॉन साइन टी है, ऐसे रख लो चाहे साइन को ऊपर ले जाओ कोसिकेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग कोसिकेंट क्या लिख सकते हैं भाई, कोसिकेंट क्यूब टी लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया। तो बेटे ये जो पार्ट अगर समझ आ गया हो तो बिल्कुल सेम आप लोगों के पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उस 6 के सभी पार्ट्स हैं। मैं थर्ड पार्ट और आपको करवा देता हूँ, क्योंकि सीबीएसई में 3 times है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा है, वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास है ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा है। यह भी कह रहा है आपसे कि सेकंड डेरिवेटिव है वो आपको फाइंड करना है। तो जब ये थीटा के टर्म्स में है तो थीटा के रेस्पेक्ट कर दो डेरिवेटिव आप, डी एक्स अपोन में डी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू में कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा बन गया, प्लस यू इंटू वी अप्लाई हो गया, थीटा को एज इट इज रखा तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा को एज इट इज रखा तो थीटा का डेरिवेटिव इंटू में वन हो गया। यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और ए थीटा इंटू कोस थीटा बन गया वे। ऐसे ही जब वाई का डेरिवेटिव आप थीटा के रिस्पेक्ट करोगे तो ए इंटू में साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा बन गया, माइनस थीटा को एज इट इज रखा तो कोस का डेरिवेटिव करूँगा तो माइनस साइन थीटा आएगा, जिसकी वजह से प्लस हो गया।
लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस ही आएगा, कोस थीटा इंटू में थीटा का डेरिवेटिव वन, इसमें कोस थीटा कैंसिल हो गया, ए थीटा इंटू में साइन थीटा बन गया। तो जब डी एक्स अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा आ चुका है तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं ना, डी वाई बाई डी थीटा ए थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइड बाई ए थीटा इंटू में कोस थीटा, ऐसे ए डिवाइड थीटा से थीटा डिवाइड साइन अपॉन कोस क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। उसमें कोट बना था, इसमें क्या बन गया, टेन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट डी थीटा अपॉन डी एक्स। फिर यही बात रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं हमेशा अक्सर बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट की मिस्टेक करते हैं और आगे के नंबर से वो कटवा लेते हैं। तो आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना है, उसका रेसिप्रोकल ले लो आप, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स है तो वन अपॉन में ये आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं भाई, सीकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह वन अपॉन में ए थीटा इंटू में कोस थीटा आ गया। तो कोस को चाहिए ऊपर ले जाओ आप या सीकेंड को नीचे ले आओ, कोस की फॉर्म में बन जाएगा, जिसमें भी अपना रिजल्ट आप रखना चाहो उसमें रख सकते हो। ये अगर ऊपर ले जाते हो तो सीकेंड क्यूब थीटा अपॉन में ए इंटू थीटा आ गया। तो देख लो बेटे, किसी प्रकार से मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत की ज़रूरत है, बिना मेहनत के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं 6 की तरह से आपके पास है, सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड करवा रहा है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि साथ में कंडीशन लिख दी एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। हमारा फर्स्ट पार्ट है या हमारा सेकंड पार्ट है, दोनों के पार्ट में ये लिखा हुआ है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे उस वक्त आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ से करवा रहा हूँ इसका भी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू में कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा है। एक्स इज इक्वल्स टू, ये वही पहले वाला ही लिख लिया हमने 6 का सेकंड, 7 वाले में बेटा एक्स इज इक्वल्स टू टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा और वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास है टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा है। अब थीटा के टर्म्स में तो थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो, डी एक्स अपॉन में डी थीटा करोगे यहाँ से तो हमारे पास इसके अंदर क्या बन जाएगा भाई, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा तो माइनस का टू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस का साइन टू थीटा इंटू में टू आ जाएगा। क्या जाएगा, इंटू में टू आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से आप लोग टू को कॉमन ले सकते हो और आप इसको साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसे ही अपने पास में अगर इसकी बात करूँ डी वाई बाई डी थीटा की, तो ये क्या बनेगा हमारा, टू कोस थीटा माइनस में टू कोस टू थीटा बनेगा। यहाँ से भी आप लोग टू को कॉमन ले सकते हो तो आपके पास कोस थीटा माइनस में कोस टू थीटा बन गया, कोस थीटा माइनस में कोस टू थीटा बन गया यहाँ से। तो ये बन गया भाई हमारे पास इनका फर्स्ट डेरिवेटिव, इनकी हेल्प से आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर दोगे जो कि आपके पास बनेगा टू इंटू में कोस थीटा माइनस में कोस टू थीटा हो जाएगा और अपॉन में टू इंटू में साइन टू थीटा माइनस में साइन थीटा बन जाएगा, टू से टू डिवाइड हो गया। अब इसको ये कि देखो सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए हमें प्लस वन के टिग्नोमेट्री के सीडी फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर में कोस सी माइनस में कोस डी की फॉर्म यूज हो रही है जो कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो आप यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू थ्री थीटा बाई टू इंटू में हमारे पास आ जाएगा साइन
डी माइनस सी बाई टू थीटा बाई टू अपोन में टू, ये साइन सी माइनस साइन डी है भाई, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, तो कोस सी प्लस डी बाई टू थ्री थीटा बाई टू इंटू में हमारे पास आ जाएगा साइन डी माइनस साइन सी माइनस डी बाई टू, तो साइन सी माइनस डी बाई टू साइन थीटा बाई टू डिवाइड टू से टू डिवाइड, क्या बन गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन थ्री थीटा बाई टू कोस थ्री थीटा बाई टू, साइन अपॉन कोस टेन थ्री थीटा बाई टू है वो इसका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट जब आप इसका सेकेंड डेरीवेटिव करोगे तो सेकेंड डेरीवेटिव बन गया टेन का सीकेंड स्क्वेयर थ्री थीटा बाई टू इंटू डेरीवेटिव ऑफ इट्स एंगल थ्री अपॉन में टू इंटू डी थीटा अपॉन में डी एक्स आ गया भाई। तो ये बन गया क्या हमारे पास है सीकेंड स्क्वेयर थ्री थीटा अपॉन में टू इंटू थ्री अपॉन टू इंटू डी एक्स अपॉन में डी थीटा, हमारे पास जो था डी एक्स अपॉन में डी थीटा ये हमारे पास था भाई, टू इंटू में साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा था तो वन अपॉन में आ जाएगा टू इंटू में साइन टू थीटा माइनस में साइन थीटा आ जाएगा, तो थ्री अपॉन में फोर बन गया कांस्टेंट में, तो थ्री अपॉन फोर इंटू में सीकेंड स्क्वेयर थ्री थीटा बाई टू अपॉन में साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए केवल इसकी सेकंड डेरिवेटिव ही फाइंड करवा रहा हो तो हम इसको भी चेंज दोबारा से डी फॉर्मूले से करके आगे लिख सकते हैं, लेकिन ये तो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई टू, किस पे भाई पाई बाई टू पे फाइंड करना है, और पाई बाई टू पे फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिख दो सेकेंड डेरीवेटिव क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड डेरीवेटिव एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, किस पे फाइंड कर देंगे पाई बाई टू पे, और पाई बाई टू पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, थ्री अपॉन में फोर इंटू में सीकेंट पाई अपॉन टू रखना है तो सीकेंट स्क्वेयर थ्री पाई अपॉन में फोर बन गया, अपॉन में साइन पाई बन गया माइनस में साइन पाई बाई टू बन गया, तो किसके इक्वल बनेगा यहाँ से ये थ्री अपॉन में फोर इंटू में सीकेंट थ्री पाई बाई फोर, ध्यान दीजिए सीकेंट थ्री पाई बाई फोर है वो इक्वल होगा सीकेंट पाई माइनस पाई बाई फोर पे, और पाई माइनस पाई बाई फोर सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सीकेंट है वो नेगेटिव होगा, पाई है तो नो चेंज है सीकेंट पाई बाई फोर बन गया अब, और सीकेंट 45 डिग्री है वो रूट टू के इक्वल है तो माइनस रूट टू आए लेकिन सुकेर है और सुकेर है तो प्लस का टू बन गया, तो ये बन गया हमारे पास प्लस का टू अपॉन साइन पाई जीरो माइनस में साइन पाई बाई टू वन, टू से ये टू पे डिवाइड हो गया माइनस थ्री अपॉन टू के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया माइनस थ्री अपॉन में टू के इक्वल। फर्स्ट पार्ट इससे भी कुछ इजी है जो कि आप लोग स्वयं कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आप क्वेश्चन नंबर एट देख पा रहे हो, एट वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही है फाइंड सेकेंड डेरीवेटिव एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, सेकेंड पार्ट में टी इज इक्वल्स टू जीरो है, थर्ड पार्ट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर है, फोर्थ पार्ट में टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आपको अगर दिक्कत आ सकती है तो वो फोर्थ पार्ट में आ सकती है, और उस फोर्थ पार्ट के मैं करवा रहा हूँ, बाकी थ्री पार्ट्स आप ट्राई करना, कहीं दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से। इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास कोस टी प्लस में लॉग ऑफ टेन टी बाई टू, और भाई वाई इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास ओनली साइन टी, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी भी चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी चाहिए, हाँ डबल फाइंड करवा रहा है, अकेला क्वेश्चन ऐसा है भाई। सबसे पहले तो डी एक्स अपॉन में डी टी के लिए काम कर दो, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस का साइन टी हो गया, प्लस में भाई लॉग है, लॉग है तो वन अपॉन में
टेन टी बाई टू हो गया, इंटू में टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर टी बाई टू आ गया, इंटू में टी बाई टू का डेरिवेटिव वन अपोन में टू आ गया। क्या बना हमारे पास? माइनस साइन टी प्लस में, यही ध्यान रखने का पॉइंट है, वन अपोन साइन अपोन में कोस है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस टी बाई टू अपोन साइन टी बाई टू, ध्यान दीजिए भाई, कर सकते हैं कि नहीं, इंटू सीकेंट सुकेर है तो इसको वन अपोन कोस सुकेर टी बाई टू लिख सकते हैं, इंटू में वन अपोन टू है, मैंने सब को साइन और कोस में कन्वर्ट करके लिख दिया, कोस टी अपोन टू से वन पावर लेस होगी। क्या बना हमारे पास? माइनस साइन टी प्लस में वन अपोन में टू साइन टी बाई टू इंटू में कोस टी बाई टू बन गया भाई। अब ध्यान दो यहाँ से, माइनस साइन टी प्लस वन अपोन में टू साइन ए इंटू कोस ए, टू साइन ए इंटू कोस ए है तो वो साइन टू ए के इक्वल होगा, तो साइन टू ए का मतलब है टी बाई टू है, तो साइन टी बन गया। आप इसका एलसीएम ले लोगे तो साइन टी हमारे पास एलसीएम आ गया, माइनस का साइन स्क्वेयर टी बन गया, प्लस का वन है तो वन माइनस साइन स्क्वेयर टी है वो कोस स्क्वेयर टी अपोन में साइन टी बन गया। तो इस स्टेप को हम लोग यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लाएंगे भाई, साइड में वाई है, वाई का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट करोगे तो आप लोगों के पास क्या बन गया भाई, यहाँ पे कोस टी बन जाएगा। क्लियर है? अब जो फाइंड करवा रहा है उसका एक पॉइंट तो यहीं से देखो, ये कह रहा है यहाँ से कि सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ये इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, तो ये जो डी वाई बाई डी टी है इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, अगेन किसके रिस्पेक्ट कर दिया भाई, टी के रिस्पेक्ट ही दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया। अब टी के रिस्पेक्ट दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया टी के रिस्पेक्ट, और कोस टी का माइनस का साइन टी हो गया। अब ये करेंगे टी किसके इक्वल है हमारे पास, पाई बाई फोर के इक्वल है, तो भाई सेकेंड डेरिवेटिव एट पाई बाई फोर, तो एट पाई बाई फोर पे अगर आप लोगे एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर, तो माइनस साइन पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू माइनस का वन अपोन में रूट टू बन गया भाई। क्या बन गया? माइनस का वन अपोन रूट टू, ये तो हो गया सिंप्लीफाई। अब हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या है, कोस टी है हमारे पास, अपोन में डी एक्स अपोन में डी टी क्या है, ये कोस स्क्वेयर टी इंटू साइन टी ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, कोस टी से वन पावर लेस होगी, क्या बन गया ये टेन टी बन गया भाई। टेन टी का डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, तो सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंड स्क्वेयर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, फिर से ख्याल रखें भाई इस बात का, तो सीकेंड स्क्वेयर टी इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी ये था, तो डी टी अपॉन में डी एक्स वो क्या बन जाएगा, साइन टी अपॉन में कोस स्क्वेयर टी हो जाएगा भाई। तो चाहे कोस की पावर में रख लो चाहे सीकेंट में रख लो, क्या बन गया ये सीकेंट रेज टू दी पावर 40 इंटू में साइन टी बन गया। किस पे फाइंड करनी है आपको वैल्यू? आपको वैल्यू फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर पे, रख दो भाई इसमें पाई बाई फोर, सीकेंट रेज टू दी पावर 4 पाई बाई फोर इंटू में साइन पाई बाई फोर। अब सीकेंट 45 डिग्री क्या होता है, रूट टू, तो रूट टू रेज टू दी पावर 4 बन गया इंटू साइन पाई बाई फोर है वो वन अपोन में रूट टू है हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रूट टू से वन पावर लेस होके 3 पावर आ गई, और रूट टू रेज टू दी पावर 3 में टू रूट टू के इक्वल आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है बस, केवल पॉइंट एक नया आ रहा है उस पर हम लोग काम कर लेंगे ऐसे ही। अब लास्ट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी, वाई इज इक्वल्स टू साइन पी टी, प्रूव दैट
वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये प्रूव करवा रहा है भाई। क्लियर है, ये सेकेंड और फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे भाई। तो क्या कर दे, टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो, पहले साइन टी का कोस टी हो गया, ऐसे ही वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी टी बन गया हमारा क्या, कोस पी टी इंटू में पी आ गया भाई। यहाँ से फाइंड कर दो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी क्या है, पी इंटू में कोस पी टी, क्या भाई, पी इंटू में कोस पी टी डिवाइड बाई कोस टी। अब की बार कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम इसमें। तो अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो आपका यहाँ से जो सेकेंड डेरिवेटिव बनेगा, ध्यान दीजिए, यू अपॉन वी लग गया भाई कोस स्क्वायर टी, पी को मैंने बाहर रख लिया, कोस टी को एज इट इज रखा, तो कोस पी टी का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन पी टी इंटू पी आ गया, माइनस में कोस पी टी को एज इट इज रखोगे तो कोस टी का डेरिवेटिव माइनस का साइन टी बन गया। ऐसा करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा भाई क्या, इस पी को अगर अंदर लाना चाहो तो अंदर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर रखना है बाहर रह जाएगा, माइनस का पी इंटू में कोस टी इंटू में साइन पी टी हो गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया, कोस पी टी इंटू में साइन टी बन गया हमारे पास, और अपोन में है कोस स्क्वायर टी। कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई, इसका जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि इसमें पी नहीं है, इसमें पी कॉमन नहीं आ सकता, कोई फॉर्मूला कोई रिजल्ट नहीं बन सकता। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पी से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप लोग, माइनस पी स्क्वेयर कोस टी इंटू में साइन पी टी हो गया, और प्लस में पी इंटू में कोस पी टी इंटू में साइन टी हो गया, अपोन में हमारे पास है कोस स्क्वेयर टी। तो ऐसा करने के बाद यहाँ से हम लोग आगे ध्यान देंगे कि हमें जो प्रूव करके दिखाना है वो क्या है, ध्यान दीजिए, वन माइनस में एक्स स्क्वेयर इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव है, माइनस एक्स इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव है, प्लस पी स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू जीरो है। तो डायरेक्ट तो ये रिजल्ट हमसे बन नहीं रहा, डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो क्लियर है वैल्यू पुट करनी पड़ेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस एक्स स्क्वेयर रख दो वैल्यू, अब तो एक्स भी रखना है और वाई भी रखना है, एक्स है साइन टी, तो वन माइनस साइन स्क्वेयर टी इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव इसके साथ आ गया भाई, माइनस का पी स्क्वेयर कोस टी इंटू साइन पी टी प्लस पी इंटू में कोस पी टी इंटू में साइन टी अपोन में है कोस स्क्वेयर टी माइनस एक्स, एक्स का मतलब साइन टी इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन फर्स्ट में है भाई, क्या है, पी इंटू में कोस पी टी अपोन में कोस टी प्लस पी स्क्वेयर इंटू में वाई, तो पी स्क्वेयर वाई, वाई क्या है साइन पी टी, ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई। सबसे पहला काम वन माइनस साइन स्क्वेयर टी कोस स्क्वेयर टी बनेगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास भाई, माइनस का पी स्क्वेयर कोस टी इंटू में साइन पी टी बन गया। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक और करते आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए आप, क्योंकि जब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया बार बार एक ही बात बताई और वही मिस्टेक हम लोग यहाँ पे कर बैठे, क्या किया भाई, इसका जब सेकंड डेरिवेटिव किया तो इनटू में आपका डी टी अपॉन में डी एक्स तो हमने लिखा ही नहीं भाई, अब डी एक्स अपॉन डी टी कोस टी है तो इनटू में क्या और आ जाएगा, वन अपॉन में कोस टी और आ जाएगा, वन अपॉन में कोस टी और आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटू में डिवाइड में कोस टी और आ गया, एक क्या आ गया डिवाइड में, यहाँ कोस टी और आ गया जो सेकंड डेरिवेटिव में, तो इसके अपॉन में कोस टी है तो इसको लिख दो कोई बात नहीं, प्लस का पी कोस पी टी इंटू में साइन टी अपॉन में है कोस टी
माइनस में हमारे पास है पी इंटू में साइन टी इंटू में कोस पी टी, अपोन में हमारे पास कोस टी, प्लस पी स्क्वेयर इंटू में साइन पी टी। अब इस कंप्लीट का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लोगे तो कोस टी एलसीएम आ गया भाई, कोस टी एलसीएम आ गया, तो ये तो एज इट इज आना है। माइनस पी स्क्वेयर इंटू में कोस टी इंटू में साइन पी टी प्लस पी इंटू में कोस पी टी इंटू में साइन टी, ये भी एज इट इज आना है। माइनस का पी साइन टी इंटू में कोस पी टी हो गया, लेकिन इसमें तो कोस टी मल्टीप्लाई हो गया आएगा, तो पी स्क्वेयर साइन पी टी इंटू में कोस टी बन गया। जब जीरो के इक्वल प्रूव करना है तो क्लियर है टर्म्स है वो सभी कैंसिल होने चाहिए, नहीं और ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब यहाँ से देखिए पी स्क्वेयर कोस टी इंटू साइन पी टी, पी स्क्वेयर कोस टी इंटू साइन पी टी है, ये टर्म इससे कैंसिल हो गए। पी कोस पी टी इंटू साइन टी है माइनस पी कोस पी टी इंटू साइन टी है, इससे ये टर्म कैंसिल हो गए। क्या रिजल्ट आया भाई हमारे पास, जीरो अपोन में कोस टी आ गया, जो कि आपके पास जीरो बन गया, जो कि आरएचएस के इक्वल प्रूव हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड इक्वेशन हमारे पास एक ही है, जो कि एक्स और वाई किसकी टर्म में है, टी की टर्म्स में। तो बार बार जो मैं मिस्टेक के लिए बोल रहा था वो कहीं ना कहीं हम ही कर रहे हैं, लेकिन जब ये वैल्यूज ला के यहाँ पे मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, कोस स्क्वायर को तो कट कर दिया, लेकिन जब इसका अपोन का कोस टी देखा तो कहीं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो चुकी है। तो इतना तो हम लोग अगर काम करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो खुद भी ये पहचान लेंगे अगर हमसे हाँ यहाँ पर गलती हुई है। तो बेटे इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.9 है वो आपकी कम्प्लीट हो गई। तो अच्छे से इस एक्सरसाइज को करोगे, इसका एक एक एग्जाम्पल है वो सोल्व करोगे आप, इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई।